अमित शाह आज 60 साल के हो गए हैं। हर कोई भारत के अपने लोकप्रिय गृह मंत्री को बधाई दे रहा है, उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहा है। कोई उनकी सरकार में लिए गए निर्णय को लेकर उनकी तारीफ कर रहा है तो कोई उनके संघर्षों को लेकर उन्हें सलाम कर रहा है। हर चाहने वाला अपने अलग अंदाज में अपने प्रिय नेता को बधाई दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूँ, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। सियासत के शहंशाह, राजनीति के चाणक्य, देश की सियासत की दशा और दिशा बदलने वाली एक ऐसी शख्सियत, प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ के सबसे बड़े सारथी, महाविजय के महाबली, इन्हीं सब के बाद बनता है एक नाम, अमित शाह। आज 22 अक्टूबर को अमित शाह 60 साल के हो गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को गुजरात में हुआ था। अमित शाह ने राजनीति में अपना प्रवेश 1980 के दशक में किया, जब वो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े। उनका राजनीतिक करियर तब गति पकड़ने लगा जब वे गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के साथ काम करने लगे। 2002 में अमित शाह को गुजरात सरकार में गृह, कानून और परिवहन जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो गुजरात में लंबे समय तक बीजेपी के रणनीतिकार रहे और 2002 के गुजरात चुनावों के दौरान उन्होंने पार्टी के लिए महत्वपूर्ण जीत सुनिश्चित की। वर्तमान में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के गृह मंत्री के रूप में कार्यरत है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन और नागरिकता संशोधन कानून जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अहम भूमिका निभाई है। अमित शाह भाजपा के लंबे समय से प्रमुख नेता रहे हैं। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है और उनके कार्यकाल के दौरान पार्टी ने कई राज्यों में सत्ता हासिल की है और 2019 में केंद्र में बड़ी जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने अति प्रिय नेता अमित शाह को सोशल मीडिया पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर 2047 के विकसित भारत और उसके लिए अमित शाह के प्रयासों का जिक्र किया। मोटा भाई के नाम से अपनों के बीच जाने जाने वाले अमित शाह को राजनीति में मॉडर्न चाणक्य के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। कहते हैं, जहां उम्मीद होती है वहां उम्मीद का सूरज भी आकार लेता है। कुछ ऐसा ही उम्मीद का सूरज चमका है मध्य प्रदेश भाजपा के नेता सुरेंद्र शर्मा के दिल में, जिन्होंने अमित शाह से अगले जन्मदिन को लेकर महाकाल से एक बड़ी प्रार्थना कर डाली है। सुरेंद्र शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पहले तो गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, फिर शर्मा ने महाकाल से प्रार्थना करते हुए लिखा कि अगला जन्मदिन हम पीओके को भारत में वापस कर मनाएं। निश्चित तौर पर पाक अधिकृत कश्मीर भारत का एक बेहद अहम मुद्दा है, जिसे लेकर अमित शाह लगातार प्रयासरत है। जन्मदिन पर उनकी पार्टी के नेता द्वारा की गई महाकाल से ये प्रार्थना निश्चित तौर पर भारत के लिए आशीर्वाद साबित होगी। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और गृह मंत्री अमित शाह को कई मौकों पर पीओके को भारत का हिस्सा बताते हुए सुना गया है। सदन में भी अमित शाह पीओके को लेकर कई बार विपक्ष को घेरते हुए जोरदार भाषण दे चुके हैं। चलिए सुनवाते हैं अमित शाह का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन भारत के अभिन्न अंग है और हम इसके लिए जान भी दे देंगे। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए।
न्यूज डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।